मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फर्जी वेबसाइट चलाकर लोगों को लूटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके बावजूद लोग फर्जी वेबसाइट के झांसे में आकर इसका शिकार हो रहे हैं। वहीं एडिशनल SP क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि फर्जी वेबसाइट के माध्यम से कोई लिंक आती है तो उसे कतई शेयर न करें और सतर्कता बरतने की भी अपील की गई है। आजकल साइबर ठगों द्वारा बैंकों और जो ई कॉमर्स कंपनियां दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बना ली जाती है। फर्जी वेबसाइट बनाने के बाद उनको या तो कैशबैक का ऑफर किया जाता है या फिर कोई लिंक भेज के उसको या फिर कोई जो सामान है वस्तु या सस्ते दामों में उनका बेचने का लालच देकर उनको ये लिंक भेज दी जाती है। तो ऐसी प्रमाणिकता की जाँच करने की जरूरत होती है। कोई भी जनरल वेबसाइट होती है उसका URL लिंक जो होता है HTTPS होता है, लेकिन अगर उसमें S नहीं है तो ये मान के चले कि इसकी संभावना फर्जी होने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।